हेलो दोस्तों, एसएससी अड्डा 246 पर आप लोगों का स्वागत है और मैं अंकित आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लाभानी। और हम लाभानी को 100% के तरीके से पढ़ेंगे, ना ही हम किताबी मेथड से पढ़ेंगे, बस सिर्फ पूरी लाभानी हम 100% के तरीके से पढ़ेंगे। और 100% से हम लाभानी ही नहीं, लगभग 4 चैप्टर लाभानी, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे। अब इसके साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ होती है जैसे कि क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं, हमेशा हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो मानना है 100% बस। और जो यहाँ पर होता है वो होता है विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है एसपी। बस यही था। और अब हम इस सवाल पहले सवाल की ओर देखते हैं। पहले सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, यानी कि ये हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी दे रखा है हमें, बेचकर 1/10 का लाभ कमाता है। 1/10 का लाभ का मतलब होता है 10% का लाभ। कैसे? हमने 10% को खोला 10/100, 1/10, यानी कि 1/10 का मतलब होता है 10% का लाभ। और जब कोई आदमी 10% का लाभ ले लेगा तो उसका मतलब होगा कि उसने कोई चीज़ 100 की खरीदी और 110 की बेच दी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अनुपात लेंगे, 10:100, मतलब 10:11, 0 से 0 कट गया, 10:11। यहाँ पर 11 ये क्या है, ये है हमारा एसपी, जबकि रियल एसपी कितना दिया गया है 891। तो यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 891। अब यहाँ से हम इसे भाग देंगे तो 11 88 और 1 बच गया, तो 11 1 11। यहाँ पर जो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आई वो आई कैसी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, सीपी। तो हमें निकालनी है 10 की वैल्यू, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 810। और यही क्या है हमारा आंसर, तो यही क्या है हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से हो गया, वरना नहीं हम इसे किताबी मेथड से करते तो बहुत टाइम लगता। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पे 6750 में बेच देता है, यदि वह से 15% का लाभ कमाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दिए 25% की यानी, यानी कि यदि अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदते हैं और उसको 25% की यानी यानी कि 75 की बेच दें, सीपी 100 की खरीदी और बेच दी 75 की, तो हमें 25% का यानी कि हमने देखा भाई 100 खरीदी 75 बेच, यानी 25% की यानी। अब उस 25% का मान, मतलब 25% 75 की वैल्यू दी गई है 6750 पर, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक चीज़ और दी है, हम इसे SP1 मानते हैं। अब SP2 हमारा क्या होगा, देखते रहिए। अब SP2 होगा हमारा जो दिया है उसने, अब यदि उसे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि उसे 100 पे चाहिए 15% का लाभ, यानी कि 115। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, तो हमारे पास CP प्राप्त हो गया 100 रुपये, SP1 प्राप्त हो गया 75 और SP2 प्राप्त होगा हमारे पास 115। चूँकि हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है कि 75 यूनिट की वैल्यू 6750, क्योंकि ये क्या है, ये बेची गई मूल्य है 25% हानि पर। अब 100 की खरीदी 25% यानी 75 की बेच दी, और 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 6750। 6750 आने पर हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है 115 पर लिए, तो 115 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 6750 × 115/75। तो यहाँ से इसे काट देंगे, यह जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और यह जाएगा 15 × 5 = 75। अब ये 15 से कट जाएगा, 15 × 4 = 60, 7 बज गए, 15 × 5 = 75, 450 × 23 जो हो जाएगा 1350। तो देखिए कितने इजीली तरीके से यह है सोल्व हो गया, आंसर आ गया 10350। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि ए ने कोई वस्तु 15% के लाभ, यानी कि 100 की खरीद दी 115 की बेच दी, भाई किसे बेच दी, बी को बेच दी, और बी ने उसे सी को कितने हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर, यानी कि 100 खरीदी और 90 की बेच दी। अब यदि सी ने इसके लिए कितने रुपये दिए, उसने 517.50 रुपये दिए हों, तो बताइए ए ने वह कितने खरीदी। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, 10 हटाई, 2 0 लगा, 1 0 से 0 कट गई, 1 0 से यहाँ 0 कट गई, 1 0 से कट गई। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे 5 से काट लेते हैं, 5 × 2 = 10 और 1 = 11, 5 × 3 = 15, ये कट जाएगा 5 से, 5 × 5 = 0, 5 × 3 = 15, 16 × 17, 5 × 5 = 25, यह आ गया 10 = 35। अब यहाँ से ए गुणा 23 × 9 बराबर हो गया 10 = 35 × 100। अब यहाँ से देखिए 9 × 3 = 27, तो देखिए 1 × 23 × 9 बराबर आ जाएगा इतना, तो इसे 9 से काट देंगे, 9 = 9, 9 = 9, 9 × 5 =
नौ पंजे 45, तो यहाँ 115, 23 पंजे 115 होते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 500 रुपये। यानी कि ए ने उसके लिए कितने रुपये अदाई किए, 500 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वस्तु एक्स में बेचने से 15% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को वाई में बेचने से 15% का लाभ हो, तो इतने का मान बताइए। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, ये कोई बंदा एक्स था, इसने क्या करा, 100 की खरीदी और उस चीज़ को 15% हानि की यानी कि 85 की बेच दी, और एक आदमी वाई था, ये लिख लिया हमने वाई, और उस वाई ने क्या करा, 15% का लाभ ले लिया यानी कि 115। ठीक है, यानी कि थी तो चीज़ 100 की। अब ये चीज़, ये क्या है, ये सीपी है। हाँ भाई, एक्स ने उसे क्या करा, 15% की यानी कि 85, और वाई ने उसे 15% का लाभ यानी कि 115 का बेच दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ से कट जाएगा ये 5 से 5 एकम 5, 5 से 35, और ये कट जाएगा 23, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17:23। अब उसने हमसे पूछा है वाई माइनस एक्स अनुपात वाई प्लस एक्स, अब हमें इसका अनुपात बताना है, तो हम क्या करेंगे, 17 में से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 अनुपात 17 और 23 जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 6 अनुपात 40, तो यहाँ से काट देंगे, 2 3 6 अनुपात 3 अनुपात 20, यही क्या है हमारा आंसर। तो देखिए कितने आसानी तरीके से यह हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ परसेंटेज कितना है। देखिए, यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले सीपी को 100 मानते थे, हम पहले सीपी को क्या करते थे, सीपी को 100 मानते थे, पर लेकिन यहाँ पर उसने सेलिंग प्राइस को ही 100 दे दिया, उसने क्या करा, सेलिंग प्राइस को कितना दे दिया, 100 दे दिया। कोई बात नहीं, अब हम इसे उल्टे तरीके से करेंगे, इसने कहा सेलिंग प्राइस 100 है, कोई बात नहीं भाई, सेलिंग प्राइस 100 है, अब हम क्या करेंगे, उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेंगे, प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हुआ, यानी कि उसने, उसका सीपी कितना था, उसने, भाई ये बताओ, तुम दुकान पर गए, तुमने कोई चीज़ 100 की बेच दी और तुम्हें उस पर 20 का लाभ हो गया, यानी कि तुमने वो कितने खरीदी होगी, तुमने वो 80 की खरीदी होगी, क्योंकि तभी तो उस पर 20 रुपये का लाभ हुआ, अब आपने यानी कि वो 80 की खरीदी। अब हमें क्या करना है, हमें पता लग गया वही चीज़ के, हमें वह चीज़ पता लग गई, क्या चीज़ पता लग गई, कि भाई सीपी कितना है, सीपी और एसपी का अनुपात पता लग गया, सीपी है 80 और अनुपात ये, यानी कि अब हमें क्या करना है, सीपी को हमेशा 100 बनाना है। अब हम सीपी को 100 बनाएंगे, सीपी को 100 बनाने के लिए हम इसे भाग करेंगे और यहाँ पर इसे काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8 अनुपात 2 पंजे 10, 4 अनुपात 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 100 बनाना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 25 है, तो 25 चौका 100, इधर 100 आ गया, हमें पता है सीपी हमेशा कितना होता है, 100 होता है, और इधर 25 पंजे 125, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 25% का लाभ, तो हमारे पर निकल के आ गया कितना, आराम से 25% का लाभ। अब देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, कितने की हानि होती है, 25% की, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। कोई बात नहीं भाई, हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से करेंगे, हमें पता है सीपी कितना होता है, सीपी 100 होता है, और एसपी यानी कि जब उसने पहली वस्तु कितना 25% की हानि ली, 25% की हानि का मतलब यानी कि 75, भाई 75 की कर दी उसने, ठीक है भाई। अब ये है हमारा SP1, जब भी इस तरह से, तो SP1 मान लो क्या दिक्कत आ रही है, तो वरना उसे दूसरे फिर वो काटना पड़ेगा, 100 कट जाएगा, तो इसे इस तरह से कर लेंगे, तो उसने कहा है तो उसे 25% लाभ पर बेचे, यानी कि उसे कितना चाहिए, पर उसे 125 पर चाहिए। अब हमें जो वैल्यू दी गई है 450, वो 25% हानि की दी गई है, यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 450, और हमें निकालने कितने की है, यानी कि 150, यानी कि 25% लाभ निकालना, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यह जाएगा 450 मल्टीप्लाई 125 बाई 75। अब यहाँ से हम करेंगे 25 पंजे 125 और 25 से 75, और इसे 3 से काट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 गुना 5, तो 15 पंजे 75, 750 क्या जाएगा हमारा आंसर, तो 750 हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे इसकी, इसी तरह ट्रिक की, और 100% से हम चारों को करेंगे, चारों सब्जेक्ट को जिन जिन का हमने नाम लिया था शुरू में। तो अगर यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक भी करें, तो थैंक यू।